जिस दिन हम आएंगे उस दिन सरकार का जयपुर का तापमान बढ़ा देंगे। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी पिलानी पहुंचे और पिलानी में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। उनको धींधवा सर्किल से पिलानी रामलीला मैदान की तरफ उनको लेके जाया जा रहा है। वो एक रैली के माध्यम से उनको लेके जाया जा रहा है और स्वागत का सिलसिला माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। वो सिलसिला अभी जारी है, काफिला है, वो पीछे गाड़ियों का काफिला है, आगे डीजे चल रहा है और बाइक रैली चल रही है। और रामलीला मैदान में पहुंचने के बाद एक कार्यक्रम है, सभा में तब्दील ये कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद में हम इनसे आगे बात करेंगे वहीं पहुंचकर। अभी आप लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पिलानी के मेन बाज़ार से। स्वागत के लिए हमारे यहाँ नगर पालिका के सामने चेयरमैन महोदय भी मौजूद थे और तमाम जो वरिष्ठ नागरिक है और जो पार्षदगण हैं वो लोग यहाँ पर स्वागत के लिए मौजूद थे। और ये स्वागत कार्यक्रम का सिलसिला जगह जगह पर चलता ही आ रहा है। पीछे आपको मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा, दिखाएंगे कि पीछे गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं आप और आगे बाइक की रैली चल रही है। राजू फोरमैन जी भी हमारे साथ में मौजूद है और स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं आज आप। हाँ जी, महात्मा फुले जी जो अध्यक्ष हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका स्वागत करने पहुँचे सभी पार्षद, वाइस चेयरमैन, सभी सभी पार्षद लोग यहाँ पे स्वागत के लिए पहुँचे हैं। और भी पार्षद लोग और चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद है और स्वागत के लिए आप भी यहाँ पे आए। हाँ, यहाँ पे आए हम नगर पालिका के सामने, चेयरमैन लोग, भाई चेयरमैन राजू फोरमैन और सब लोग, हमने स्वागत किया है सैनी समाज का। तो चेयरमैन हीरालाल जी हमारे साथ में हैं, आप आज राष्ट्रीय अध्यक्ष फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पहुँचे हैं, उनके स्वागत के लिए आप लोग यहाँ पे माला फूल माला पहना कर। हमारी तरफ से, पूरी नगर पालिका की तरफ से, पूरी पिलानी की तरफ से इनका स्वागतम किया है। और बाजार में जो बाजार में जाएगा अभी बाजार तक और रामलीला मैदान में, और पूरी पिलानी इनके लिए सुबह से इंतजार कर रही है बैठे बैठे। वो इंतजार खत्म हुआ, अभी पिलाने पहुंच गए और एक सभा होनी है। चलिए सभा पे चलते हैं, वहीं से आपको आगे की कवरेज दिखाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश जी मंचा सिंह हैं, इनके लिए मैं बकड़ से कुलदीप जी, रतन जी पार्षद से मेरा निवेदन है कि वो सोल उड़ाकर राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सैनी जी हमारे साथ में हैं। आज इनका भव्य स्वागत पिलानी में किया गया है और पिलानी रामलीला मैदान में एक सभा भी हुई थी। हम आज के आपके जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपका जो आगमन है पिलानी में वो किस संदर्भ में देखा जाए। ये आगमन हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से, उन मांगों को लेकर हम हर गाँव तहसील तहसील पहुँच रहे हैं और सरकार से हम बहुत बार निवेदन कर चुके, लव लेटर दे देंगे। अब वो लव लेटर से उनसे खुशी नहीं हो रही सरकारें, तो अब हम उसके लिए सरकार को एक पूरे प्लान के साथ सरकार को हमारी संख्या बताएंगे, अगर वो सरकार दे तो ठीक है, नहीं कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसी मामले को लेकर, उसी मुद्दों को लेकर हमारी 5 मांगे हैं, उन मुद्दों को लेकर हमारे युवा साथियों के साथ मीटिंग हुई यहाँ पे। और 5 मांगे सर कौन कौन सी? पहली मांग तो हमारी ये है कि हमें भारत रत्न चाहिए। ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने इस देश के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, दलितों के लिए काम किया, उनको भारत रत्न चाहिए। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि और समाजों के जैसे फाउंडेशन बने हुए हैं वैसे ही हमारा फुले फाउंडेशन बने। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारा एक ऐसा एक्ट बने, अगर कोई हमारे गरीब भाइयों पर कोई अत्याचार होता है तो उस एक्ट के माध्यम से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। चौथी मांग हमारी ये है कि हम चाहते हैं सरकार से हमें 14% आरक्षण मिले। और पांचवी मांग हमारी यही है कि हर जगह, हर एक कस्बे में सब्जी मंडियां बने ताकि मेरे गरीब भाइयों को, जो सब्जी बेचने वालों को, इसका लाभ मिले। उसमें हमारा एकाधिकार होना जरूरी है क्योंकि हमारा काम है सब्जी बेचने का। ये हमारी 5 मांगे हैं और इन मांगों को हम सरकार से लगभग 6 साल से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक हमारी बातें नहीं पहुँच रही। क्या पता, हो सकता है या तो उनको लेटर नहीं मिल रहा हमारा, और क्या हो सकता है शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है देने में। लेकिन इसके लिए अब ये अलग जम चुकी है और मुझे इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा इनसे कि इस चैनल के माध्यम से हमारे युवाओं तक मेरी बात पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक हो। और उन्हीं मांगों के लिए मैं आज पिलानी में सभी भाइयों के साथ मीटिंग हुई है।
तो मैं सर एक जानना चाहूँगा आपसे कि सरकार एजुकेशन का जो है निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही है, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो उस दौर में आकार नौकरियां ही नहीं रहेगी, सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेगी, तो वो आरक्षण का तो मुद्दा फिर बेबुनियाद हो जाएगा सर। मेरे भाई देखो, आज आज़ादी के 75 साल बाद अगर अपन शिक्षा की बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ये पूरा 150 करोड़ का मामला है, 150 करोड़ की जनता है, क्योंकि 135 करोड़ हमारी है वैसे, लेकिन अब लगभग 10 साल बाद में तो 150 करोड़ तो हम हो गए होंगे। ये पूरे 150 करोड़ का मामला है। बेरोजगार के जो बच्चे हैं, क्योंकि वैसे भी बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो गए हिंदुस्तान में, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम में जा नहीं सकते। इन्होंने सरकार और उन्हें ये प्राइवेट संस्थानों को फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए दे दी कि इनको लगता है कि यार ये ही कमाई दे रहे हैं, प्राइवेट संस्थान हमें कर रहे हैं, आज हमें ज़रूरत है कि सरकारी संस्थान को बचाया जाए। ये हर एक देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि आज हमारे कोई भी सरकारी संस्थान को कैसे भी नहीं बेचा जाए। अगर देश के प्रधानमंत्री जी को लगता है कि अगर स्कूलें बेचने से ही हमें लाभ मिल जाए तो उन्हें इसी स्कूल को बढ़िया चला लो ना भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है, उन्हीं स्कूलों को बढ़िया चला लो। तो ये बहुत बड़ी ना ये पूरे देश की समस्या है और इसके लिए पूरा देश के आदमी को उठना चाहिए। हमारे किसी भी संस्थान अगर बिकता है तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो महात्मा ज्योतिबा फुले को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी जीवनी में हमें पता चलता है कि वो महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़े हैं और जो कठिनाइयाँ उन्होंने झेली हैं, उनकी जो धर्मपत्नी हैं, जब वो महिलाओं को एजुकेशन देने के लिए जब वो निकलती थी तो उनके ऊपर गोबर भी फेंका जाता था, वो सब उन्होंने झेला है। तो आज के संदर्भ में उनका जो विचार है, क्या हम देख रहे हैं कि संगठन में केवल उस विचार को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और जो उनकी उनको ले करके हम किस तरीके से सरकार में आ जाएं, ऐसा हो रहा है, आपको क्या लगता है सर? भाई मेरे, ये बहुत बहुत अच्छी है आपकी। आज मेरे समाज का बच्चा कहीं 90% लेके आता है, वो डॉक्टर नहीं बनता, उसको सीट ही नहीं मिलती सरकारी, और बच्चे जो 3,500 रुपये की फीस देकर पढ़ लेते हैं लेकिन बाकी के और लोगों के क्या देना पड़ता है, 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए। जी वो जानते हैं हम, एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसमें डॉक्टर ही तो अब सपना रह गया गरीब आदमी के लिए। क्या जो अपर क्लास है, जो जिसे मध्यम वर्ग से ऊपर वाला बोलते हैं, वो भी डॉक्टरी नहीं करवा सकता, इस लेवल पर आ गए। वही मैं कह रहा हूँ कि जो फूले ने जो समाज, जिस समाज का निर्माण उन्होंने जो करना चाहा था कि शोषण मुक्त समाज हो, उनका एक जो व्यू था, और एजुकेशन सबके लिए मुफ्त हो, फ्री हो, तो आप संगठन इसमें किस प्रकार से पहलकदमी करके इस लड़ाई को लड़ेंगे सर? मेरा मानना तो ये है और हमारे युवा साथियों का भी मेरे साथ जो है उनका भी मानना यही है कि एजुकेशन सबके लिए फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन के यही मानदंड होने चाहिए, हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। फ्री शिक्षा मिलेगी तो हिंदुस्तान का डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले का सपना बहुत बड़ा था और उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए तो उनकी वाइफ ने किया था, उन्होंने पूरे OBC समाज के लिए, पूरे SC ST समाज के लिए, पूरे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, सबके लिए काम किया था। और उनका मानना उस समय भी एक ही था कि सबसे पहले निःशुल्क जो शिक्षा का अधिकार है मुक्त होना चाहिए, उस समय की आवाज़ थी। लेकिन क्या है कि सरकारें आजकल बिजनेसमैन वाली सरकार हो गई, देखा जाए तो कॉरपोरेट सरकारें हो गई जो उनके खिलाफ चलती, चाहे कोई सी पार्टी हो, कैसी पार्टी हो। मेरे पे भी बहुत आरोप लगते हैं लेकिन मैं आरोपों को खारिज करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टियाँ हो वो कॉरपोरेट को छोड़कर वापस धरातल पे आना चाहिए और ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों पे काम करना चाहिए। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप किस पार्टी की ओर अपना झुकाव रखते हैं? मेरा तो अभी किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है। मेरा मकसद अभी चुनाव उनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं है। मेरा मकसद तो सिर्फ अभी यही है कि मेरे भाइयों को रोज़गार मिले, मेरे भाइयों का मान सम्मान मिले, मेरे भाइयों का हक मिले, उनको उनका अधिकार मिले, इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। सरकार हमारी सुने तो ठीक है, नहीं हम सरकार को सुनवाने के लिए जयपुर जाएंगे। और सरकार को इस चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ, सरकार ये सोच ले कि ये दबे कुचले लोग हैं जो आने वाले जयपुर कभी नहीं है, लेकिन मैं सरकार को कहता हूँ जिस दिन हम आएंगे उस दिन सरकार का जयपुर का तापमान बढ़ा देंगे। ये मेरे खुले शब्दों में
साफ शब्दों में सरकार को इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार बने, कि जिस दिन भी हमारे युवा साथी जयपुर में आएंगे उस दिन सरकार का तापमान बढ़ा देंगे। माँ ज्योतिबा फुले और उनकी जो धर्मपत्नी थी, जो जिस विज़न को लेकर चली थी, वो समाज के हर तबके को साथ लेकर के उनको एजुकेटेड करना, ताकि जो धर्म धर्मांधता थी वो उसको तोड़ना, रूढ़िवादिता थी उसको तोड़ने के लिए वो हर समाज के बच्चों को, खास करके जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने एक बीड़ा उठाया और महात्मा ज्योतिबा फुले ने बीड़ा उठाया कि महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा देनी है, बालिकाओं को शिक्षा देनी है, उसके लिए उन्होंने स्कूल स्थापित किए हैं। तो इनका अगर इतिहास देखा जाए तो उन्होंने एक संदेश दिया है कि समाज को जोड़ना है। और हम आज की परिस्थितियों में जो देख रहे हैं कि जो जितने भी संगठन हैं अलग अलग उस जातियों में तोड़ करके उसको समाज को बांट रहे हैं, तो समाज जुड़ने के बजाय समाज टूटता नज़र आ रहा है। दीपक जी, पहली बात तो आपको कहाँ लगा कि हम समाज तोड़ रहे हैं? नहीं सर, मैं सवाल कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो संगठन हैं इस तरीके से हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीपी भाई साहब है वो तोड़ रहे हैं। आपकी बात मुझे कहीं ना कहीं दीपक जी लग रहा है कि आपको मैं कहीं जातिवाद करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ पूरी टीम के अंदर जब मेरे साथ 100-200 लड़के हैं तो उनमें गुर्जर समाज से भी हैं, राजपूत समाज से भी हैं, मीणा समाज से भी हैं, जाट समाज से भी हैं, सारे लोग हैं मेरे साथ इस संघर्ष में। हमें किसी भी समाज के लिए हम गलत नहीं बोल रहे, पहली बात। हमारे साथ हमारी मुहिम में उनको जो उनको उन्होंने संघर्ष किया, सरकार ने उनको लाभ दिया, अब बारी है हमारी। हम इस चीज़ को बाद में समझ पाए कि संघर्ष करने से ही कुछ मिलता है यहाँ पे। और रही ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले की बातें, मैं उनकी हर एक पदचिन्ह पे मैं चलने की पूरी प्रयास करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ हमारे युवाओं को संघर्ष करते, जब इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, बहुत आप भी सुनते होंगे कई बार कि वहाँ मार दिया, अभी अलवर में सुना होगा तीन बच्चे सिर्फ बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर ली, उन्होंने लिख दिया सुसाइड नोट लिख ही दिया कि हम बेरोजगारी की वजह से मर रहे हैं। या सरेआम आपके झुंझुनू में हमारे कुछ भाइयों अभी एक परिवार को मार दिया, कौन सुनने वाला है भाई? अगर हमारे हक की बात नहीं उठाएंगे तो फिर हमें जीने का मतलब ही नहीं है। अगर मैं तो इतनी बात खींचता हूँ, नेता लोग अगर अपने हर चीज कॉलम में, सरकार हर कॉलम में जातिवाद लगाए तो वो तो रासलीला, और हम करें जो नहीं। मेरा सवाल आप समझे नहीं, यही मेरा सवाल था कि जो हम जितने पॉलिटिशियन को, नेताओं को, संगठनों को देख रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, क्या हम उस लीक से हटके हम काम कर रहे हैं का? क्योंकि उन्होंने जो काम किया, हम कह रहे हैं कि हम भी इसी को करेंगे, हम अलग करेंगे, तो वो डिवाइडेशन आप देख पाएंगे कि हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। नहीं, मैं उनके पद चिन्हों पर 1% नहीं चल रहा। हमारा मकसद है कि जो भाई संघर्ष कर रहा है, जो समाज संघर्ष कर रहा है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हमें किसी भी समाज से कोई गलतफहमी नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, हमारा कोई जातिवाद पे विश्वास नहीं। हमें तो हमारे हक पे विश्वास है, हमें तो अधिकार चाहिए, हमें किसी का मतलब, हम भीख नहीं मांगते। हम भीख क्यों मांग रहे हैं सरकार से? हमें तो हक चाहिए, हमारा ये काम है। अगर सरकार नहीं देगी, राज्य नहीं देगी, बेराज देना पड़ेगा सरकार को। आज नहीं देगी तो कल देगी भाई, देना पड़ेगा। लेकिन और रही बात, हम चाहते हैं कि सारे लोग एक जगह रहें। हिंदुस्तान हम सबका है, ये देश जातियों में बटा हुआ है, आज से पहले भी जातियाँ थीं। अगर ऐसी जातिवाद है तो पूरे देश को कोलम ही हटा देना चाहिए ना, कोलम हटा देनी चाहिए, जाति का कोलम हटा देना चाहिए ना। आज गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही है। लेकिन कोलम सरकार तो पहले कहती है, अगर किसी की नियुक्ति करती तो हमने 4 SC मंत्रियों को मंत्री बना दिया, बिल्कुल 4 OBC को बना दिया, 4 ST को बना दिया। कोलम तो सरकार खुद बना रही है ना भाई, हम तो कर ही नहीं। हमारा तो मकसद ये है कि सर्व समाज, सर्व धर्म के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए। सरकार कैसे देती है, नहीं देती है, वो सरकार पे जिम्मेदारी है, लेना हमें आता है। वो प्यार से दे तो ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं तो हमारे लड़के हैं ना जयपुर में लट लेके पहुँचेंगे। ये मैं आपके चैनल पर सीधा कह रहा हूँ, हम लट लेके पहुँचेंगे जयपुर में। बहुत यार, हजारों कलेक्टरों को हजारों ज्ञापन दे दिए हमने, साला किसी के कान पे जू तक नहीं रेंजती। ये आपका जो आज आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो, ये एक दिन आपके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले कहेंगे कि देखो ये CP सैनी ऐसी भाषा बोल के समाज को तोड़ रहे हैं। मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा भाई, मेरा आखा आप राजी राजी दे दो ना, हम क्यों आएंगे फालतू में जयपुर में, हमारी क्या जरूरत है आने की? लेकिन साहब बुलाने के लिए तो सरकार के बहुत आते हैं, आ जाइए, भीख नहीं मांगेंगे हम।
हमें चाहते हैं सर्व समाज के साथ हमारे अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, यही हमारा मकसद है। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक सीपी सैनी जी, जिन्होंने अपने कुछ मांगे हैं, 5 मांगे आपने सुनी है, वो रखी हैं और वो उसको लेकर के आगे भी जयपुर तक संघर्ष करेंगे, इन्होंने ऐलान किया है। और इस देखते हैं कि सरकार इनकी बात कहां तक मानती है और ये अपनी बात मनवाने में कहां तक कामयाब होते हैं।